रंगीन मिठाई को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक टेबलस्पून घी। उसके अंदर आपको डालना है ये नारियल का भूरा और इसको अच्छे से आपको भून लेना है, अच्छे से इसको पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। और जैसे ये गोल्डन होने लगे आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। जैसे ये ठंडा हो जाए इसके अंदर आपको डालना है मावा, 1 कप प्योर घर का बना मावा डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा फ्रेश मावा का। तो इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। और अब इन सबको हमें अच्छे से अपने हाथ से मैश करना है, धीरे धीरे करके ये बाइंड होने लगेंगे क्योंकि जो मावा होता है उसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो इन सबको अच्छे से बाइंड कर देगा। आपको एक्स्ट्रा दूध या पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अच्छे से गुथ जाए तो आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। बीच वाले में हम डाल रहे हैं यहाँ पर रेड फूड कलर, तो फूड कलर ऑप्शनल है और हो सके तो इसको स्किप कीजिएगा, बट ये देखने में अच्छा लगेगा। तो बीच में मैंने डाला हुआ है रेड फूड कलर, सेकेंड वाले मैंने डाला हुआ ब्लू फूड कलर, जो थोड़ी देर बाद ग्रीन जैसा हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली मेरे पास 3 कलर हो गए हैं। और अब मैं इन तीनों को अच्छे से ऐसे हाथ से दबा दबा के या फिर आप किसी बर्तन या सांचे में करके इनको स्क्वायर शेप में कर लो और ठंडा होने के बाद और अच्छे से इसको ऐसे पीसेस में काट लो। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर के बनाए थे, आप और भी कलर के बना सकते हैं। और जैसे ये रेडी हो जाए इनको अच्छे से हाथ से शेप दीजिए दोबारा, और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे 3 कलर की मिठाइयाँ रेडी हो चुकी हैं। इस दिवाली पर इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग और जल्दी बनने वाली है। फिर इसके अंदर आप डालिए ऊपर से सजाने के लिए बादाम, और यहाँ पे मेरे पास थोड़े स्प्रिंकल थे तो मैंने व्हाइट पे उसको यूज़ किया हुआ है। तो बस अब ये बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर खूब सारी डेकोरेशन कीजिए जो आपका दिल करे जैसे भी करने का। और बस फाइनली इसको अब बस डब्बे में भर के और पार्सल कीजिए। तो यहाँ मेरे पास एक मिठाई का डब्बा था तो इसके अंदर मैंने ये सारी पीसेज अच्छे से फिल कर दिए हैं, और ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आप इसको दिवाली पर अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, न्यू सब्सक्राइब।